करते हैं। बिमल पाटनी ने बेंगलोर से व्हाट्सएप पर सवाल भेजा है। उनके पास REC के 300 शेयर है जो उन्होंने 604 रुपए प्रति शेयर के दाम पर खरीदे हैं। स्टॉक अभी 545 के आसपास है तो थोड़ा सा नुकसान तो है उनको इस पोजीशन पर। ध्वनि आपसे पूछना चाहूंगी, REC क्या राय रहेगी चार्ट पर? उन्होंने अपना टाइम होराइजन नहीं भेजा लेकिन नियर टर्म का टाइम होराइजन देखे तो क्या राय होगी? जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर हम REC का चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो पिछले 3 सेशंस में डेफिनेटली एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, बट मोमेंटम जो है वो यहाँ पे काफी लेस है। आपको अगर आप यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं पूरे हफ्ते भर का मूव, तो हफ्ते भर में यहाँ पे स्टॉक ने कोई भी एक अपसाइड नहीं बताया है। ब्रॉडर स्ट्रक्चर को भी अगर हम यहाँ पे देखते हैं वीकलीज पे भी, तो कोई भी एक मोमेंटम इसके अंदर वापस ऑन द हायर साइड बनता हुआ नहीं देखने को मिल रहा है। कोई भी एक बाउंस भी स्टॉक यहाँ पे लेता है तो आपको ऊपर की तरफ 575 तक के एक बाउंस देखने को मिल सकता है। तो अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे बने रहे, स्टॉप लॉस लगाए नीचे की तरफ में 520 का और ऊपर की तरफ 575 के पास, एक एग्जिट यहाँ से ले ले, आपका नुकसान यहाँ पे कम होगा। चलिए, व्हाट्सएप के जरिए हमारे साथ जिनका सवाल है, SN गाड़िया साहब इंदौर से अपना सवाल पूछना चाहते हैं और बजाज ऑटो में इन्होंने जो है ख़रीदारी कर रखी है। इनकी प्राइस एक बार देख लेते हैं, 11,900 की इनकी बाइंग प्राइस है। लक्ष्मीकांत जी, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो देखिए, मुनाफे में तो बहुत ही बढ़िया बैठे हुए हैं फिलहाल, 12,400 के लेवल्स हमें आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें नज़रिया हमें इनका पता नहीं है, आगे अगर नियर टर्म आउटलुक समझना हो मुझे तो आप कितनी सलाह देंगे इनको? ये ट्रेंड ट्रेंड तो काफ़ी स्ट्रांग है और 2 दिन पहले इसने एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी दिया था। ब्रॉडर स्ट्रक्चर भी काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से स्टॉक 12,700 के लेवल्स को टच कर सकता है। भैया, जैसा कि आपने बताया, इनका कोई इन्होंने कोई ड्यूरेशन नहीं दिया है, तब भी मैं इनको 12,150 के स्टॉप लॉस रखने की सलाह दूंगा और जब तक ये इसके ऊपर सस्टेन करता है तब तक हमें यहाँ से 12,700 के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। तो 12,150 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है, रुके रहना है, 12,700 तक के लेवल्स भी यहाँ पर जाते हुए दिखाई दे सकते हैं बजाज ऑटो में, ये सलाह आपको दी जा रही है हमें फिलहाल। लक्ष्मीकांत जी, आपसे पूछना चाहूंगी, 6 महीने तक होल्ड कर सकते हैं दीपक जी, LIC हाउसिंग फाइनेंस, क्या राय रहेगी? देखिए, इसने 200 DMA के बाद सस्टेन किया, इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है ये और इसने अच्छा खासा रिबाउंड दिया है। मुझे लगता है कि इनको होल्ड करके चलना चाहिए और जैसे ही स्टॉक 735 के ऊपर निकलता है वैसे ही अपसाइड रैली को रेज्यूम करेगा, वहां से फिर स्टॉक 775-790 के लेवल को टच कर सकता है। जैसा कि इन्होंने बताया, इनका 6 मंथ का व्यू है तो मुझे लगता है कि इनको 645 के स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड रखने की सलाह रहेगी। और एक बार ये स्टॉक 735 के ऊपर निकलता है जैसे ही, हमें फिर 775 से लेकर 790 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। ऑलराइट।